हेलो स्टूडेंट, क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स से 12th क्लास में अध्याय नंबर 4 गतिमान आवेश व चुंबकत्व के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो सीवर्ट का नियम। ठीक है, तो बायो सीवर्ट का नियम आया किस लिए था उसको मैं आपको बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन में परिचय में आपको बता देता हूँ। देखो, बायो सीवर्ट का नियम जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करने के लिए आया था। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी जब परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी चुंबकीय क्षेत्र की मान की गणना करने के लिए सबसे पहले बायो और सीवर्ट नाम के दो वैज्ञानिकों ने क्या किया था, एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बायो सीवर्ट का नियम कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बायो सीवर्ट का नियम क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको एक तार लेनी है। ठीक है, आपको मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक तार लेनी है। मान लो एक तार है, मान लो मैंने एक तार लिया है, ठीक है, जिसका नाम है एक्स वाई तार। ठीक है, इस तार का मैं नाम ले लिया हूँ एक्स वाई तार। इसकी जो लंबाई है, मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, इसकी जो लंबाई है वो मान के चल रहे हैं कि इसकी लंबाई जो है वो एल है, ये हम लोग माने हैं। ठीक है, माना एक्स वाई तार है, इसकी लंबाई क्या है, एल है। इस पर मैं यहाँ पे तीर की दिशा में एक धारा प्रवाहित करा रहा हूँ, इस प्रकार से क्या है, तीर की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चूंकि इसमें करंट धारा प्रवाहित हो रही थी, इसके चारों तरफ क्या बन गया होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके आसपास ही क्या करने वाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा अल्पांश ले रहा हूँ। अल्पांश का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा। इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, ले लिया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे, इस अल्पांश को मैं नाम देता हूँ डीएल। इस अल्पांश को लिखते हैं डीएल, चूंकि पूरी लंबाई एल है, तो छोटे से हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पांश बोलते हैं। इस अल्पांश की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, डीएल होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके सेंटर से, आर दूरी पर, मैं यहाँ पे आर दूरी पर एक बिंदु P लेने जा रहा हूँ। R दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है वो क्या है, R है। R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर इस अल्पांश के कारण क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। चूंकि अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अल्प चुंबकीय क्षेत्र आएगा। इसको हम अल्प चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, जो कि इसके आस पास क्या हुआ होगा, उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, एक चीज़ और चाहिए रहती है, इस अल्पांश तथा इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी के बीच एक कोण भी लेनी पड़ती है, ये थीटा, जिसको हम थीटा बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो बायो सीवर्ट ने क्या किया था, है ना, एक तार लिया था। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, माना एक एक्स वाई क्या है, तार है, जिसकी लंबाई क्या होती है, एल है, जिस पर T की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार पर एक अल्पांश डीएल लेते हैं। इस अल्पांश से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी होती है। इस अल्पांश तथा अल्पांश से R दूरी पर स्थित बिंदु P के मध्य बनाया गया कोण क्या है, एक थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब नियम क्या होने वाला है। ठीक है, नियम ये है बायो सीवर्ट के नियमानुसार, बायो सीवर्ट के नियमानुसार यहाँ बताया जाता है कि बिंदु पी पर अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो है मुख्य रूप से चार बातों पर निर्भर करती है। कितनी बातों पर, चार कारकों पर निर्भर करती है। वो चार कारक क्या क्या है मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, निम्न चार कारक कौन कौन से, सबसे पहले जो बिंदु पी पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, वो सबसे पहले है ना, उस तार में प्रवाहित धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, पहली बात ये रहेगी कि बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस तार में प्रवाहित या फिर उस चालक में प्रवाहित धारा की मात्रा की समानुपाती होता है। ये पहली बात इस बायो सीवर्ट के नियमानुसार कहते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरी बात, फिर ये जो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु पी पर, वो समानुपाती होती है अल्पांश के समानुपाती होती है। ठीक है, ये समीकरण दो हो गया। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश डीएल के समानुपाती होती है। ठीक है, तीसरी बात। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा जो फैक्टर है वो है बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा के क्या होती है उसकी भी समानुपाती होती है। इसको आप ऐसा भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे साइन के लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, साइन के लिए हम लोग यूज करते हैं हिंदी में जया, ठीक है, कोण की जया, ठीक है। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, जो कोण है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ किसके बीच में कोण है, आपको पता है अल्पांश और बिंदु, अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी के मध्य बना कोण है वो, ठीक है। तो इसको ऐसा बोल सकते हो कि बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कोण को सबसे पहले बोलना है, ठीक है। तो अल्पांश और बिंदु पी तक की दूरी के मध्य बने कोण की ज्या के क्या होती है, समानुपाती होती है, ऐसा करके बोलना है। चौथा जो फैक्टर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो अल्पांश से बिंदु पी की दूरी, अल्पांश से बिंदु पी की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर एक बटे में आता है इसको क्या बोलती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक बार फिर से, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश से बिंदु पी की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये समीकरण हो गया। अच्छा, तो इस प्रकार से चार कारकों पर निर्भर करती है ये बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, इन चारों समीकरणों को मैं क्या कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा, ठीक है। कैसे करेंगे मिक्स, ठीक है, मिक्स करने का मतलब है मिलाना, ठीक है। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर, यह मिलाकर लिखने पर, मिलाने पर, ठीक है। अगर हम इसको मिला दें तो मिलाने का तरीका यह होता है कि अगर आपके पास डी बी हर जगह दिख रहा है तो उसको एक बार लिख दो, ठीक है। डी बी समानुपातिक चिन्ह आपको हर जगह दिख रहा है तो एक बार लिख दो, ठीक है। इसके बाद देखो समानुपाती में क्या है, आई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी एल है, डी एल एक साथ है। उसके बाद साइन थीटा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बटे में आर स्क्वायर दिख रहा है, तो पूरे के बटे में यहाँ पे आर स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो ये कंप्लीट क्या होता है, अपना बायोसेवर्ट का नियम का सूत्र हो जाता है। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है, हमेशा इस समानुपाती चिन्हों को हटाते हैं। तो मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे कोई ना कोई नितांग लिखूंगा, तो की नाम का नितांग लिखता हूँ, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा, बाकी जैसा का तैसा, ठीक है। के एक नितांक है, के क्या है, एक नितांक है जो मात्रा की पद्धति पर निर्भर करता है। के एक नितांक है जो मात्रा की पद्धति पर निर्भर करता है। इस के का मान जो है वो मात्रक की पद्धति के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ए सही पद्धति में, अगर बात करूँ ए सही पद्धति में, तो ए सही पद्धति में हम लोग के का जो मान लेते हैं वो म्यू जीरो बटे 4π लेते हैं, जिसका मान होता है 10^-7, ठीक है, इतना। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे पद्धति में यहाँ पे अगर डीबी का मान रखूँ, सॉरी के का मान रखूँ, तो म्यू जीरो बटे 4π आई डी एल साइन थीटा बटे आर का वर्ग बन जाएगा, आर का वर्ग। चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डीबी बराबर म्यू जीरो बटे 4π को लिख सकते हो 10^-7 आई डी एल साइन थीटा बटे आर का वर्ग। तो और ये जो है, चूंकि आपने ऐसे पद्धति में निकाला है, तो ऐसे पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, टेस्ला, जिसको हम लोग टी से निरूपित करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग वेबर प्रति मीटर का वर्ग ही बोलते हैं, वेबर प्रति मीटर का वर्ग, ये भी आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अगर और मैं इसको मैं सीजीएस पद्धति में बताता हूँ, यहाँ पे आपको मैं सीजीएस पद्धति बताता हूँ, इधर देखना, ध्यान रखना, ठीक है। सीजीएस पद्धति में हम लोग अगर देखें तो सीजीएस पद्धति में जो के का मान होता है, पद्धति में के का मान वो एक लिया जाता है। तो उस यहाँ से आप देख सकते हो कि के का मान अगर एक रख दूँ तो डी वी बराबर जो होता है वो होता है म्यू जीरो तो नहीं रहेगा इसमें, के का मान एक हो चुका है चूँकि, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आई डी एल साइन थीटा बटे में आर का वर्ग, ठीक है। और चूँकि आप सीजीएस पद्धति में निकाल रहे हो तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है गॉस, ठीक है, जिसको हम लोग जी से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपके पास बायोसेवर्ट का नियम जो है इतने मतलब जा करके आपको सॉल्यूशन करना है। आखिर में आपको ऐसे पद्धति के हिसाब से के का मान रखना है और सीजीएस पद्धति के हिसाब से के का मान रखना है, और उसका मात्रक इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, बायोसेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।